छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर हुए उपचुनावों के नतीजे कल 10 नवंबर को आने वाले हैं। वोटों की गिनती को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी कांग्रेस को मिलाकर यहां 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतगणना के लिए 4 हॉल तैयार किए गए हैं। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम के वोटों को गिनती होगी। 14 टेबल पर 20 राउंड में गिनती की जाएगी। कोरोना को देखते हुए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। किया जा चुके हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है और सभी कल समय से उपस्थित होंगे और जो भी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म और जो भी जानकारी बनाई जाती है उनकी भी ट्रेनिंग हो गई है सार्वजनिकरण करने वाले अधिकारियों की।